हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज़ मी प्रिया एंड स्टार्ट करते हैं हमारे यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू सीरीज़ को, जिसको हम लोग देख रहे थे। यूपीपीसीएस 2024 के लिए आरओ के लिए ये लेक्चर 2 हो चुका है। ये वही वाले मैंने जो आपके पीडीएफ था उसी को ले लिया, क्योंकि आगे से हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ को। आई थिंक हम लोग 23 क्वेश्चंस तक पहुंचे थे और यहां से हमको स्टार्ट करना था। तो ये देखते हैं, अभी आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, अलग अलग लीडर्स दिए हुए हैं एंड कौन कौन से प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे वो है। देवी सिंह कहां से रिलेटेड थे, मथुरा से। श्यामल की बात करते हैं बरौद से। गोनू की बात करते हैं छोटा नागपुर। एंड अगर आप देखेंगे अहमदुल्ला शाह तो ये आपके अवध से बिलोंग करते थे। अब आते हैं कौन से स्टेटमेंट लखनऊ मेट्रोपॉलिटन के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी नवाब अशफाउद द्वारा डेवलप द टाउन इन अ प्लान मैनर। अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहे हैं कि 18th हाफ के लेटर हाफ जो बाद वाला हाफ था उस पर जो नवाब अशफाउद डाला थे, उन्होंने क्या किया था, टाउन को प्लान मैनर बहुत ही प्लान तरीके से इसको बनाया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रिटिश पीरियड में सर हारकॉट बटलर गेव अटेंशन टू इट्स शेपली डेवलपमेंट। ठीक है, बटलर पैलेस अगर आप जानते होंगे तो भी आपको पता है यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके लिए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी फैजाबाद से लखनऊ 1775 एडी में। उसके बाद सिटी डेवलपमेंट प्लान ऑफ लखनऊ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोर देन 85% ऑफ टोटल जो लैंड था मेट्रोपॉलिस और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कवर था। ठीक है, तो दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, नवाब अशफाउद्दौला एंड सर हरकॉट बटलर। देन नेक्स्ट देखते हैं द कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ अ हिस्टोरिकल पास्ट। तो यहाँ पर किस किस से रिलेटेड है अगर आप देखेंगे, ठीक है, बुद्धा की बात करते हैं, नवाब्स की बात करते हैं, महाराज की बात करते हैं। यानी आपकी हिस्ट्री जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्री हिस्ट्री होती है, दूसरा हिस्ट्री होती है। पीरियड की बात करते हैं, जहाँ पर आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं वहाँ पर आप प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं, या और जहाँ पर आपको रिटन एविडेंस मिलते हैं लिखे हुए वो आपका हिस्टोरिक हो जाते हैं। कल्चर ऑफ यूपी की बात करते हैं तो इसमें आपके बुद्धा आते हैं, नवाब आते हैं, महाराजा आते हैं। राम और कृष्ण की बात करते हैं तो वो आपके प्री हिस्टोरिक टाइम में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस पास्ट की बात करते हैं तो ये तीनों आएंगे, रामकृष्ण की बात करेंगे तो आपके प्री हिस्टोरिक टाइम में आ जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर फॉक थिएटर्स ऑफ यूपी हैज बीन लिस्टेड इन यूनेस्को इंटरनेशनल हेरिटेज साइट। हाँ, एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगा होगा ना आंसर के समय रामा क्यों नहीं आएंगे, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर फॉक थिएटर्स ऑफ यूपी हैज बीन लिस्टेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर देखिए रामलीला की बात करते हैं। ठीक है, ये फॉक थिएटर है और इसमें ये यूपी का है जिसको यूनेस्को की इंटेंजिबल है ना, जिसको बेसिकली हम लोग किसी ऐसा नहीं कि कोई मॉन्यूमेंट है ताजमहल की तरह जिसको प्रिजर्व करके रखेंगे, इंटेंजिबल है ये। तो इंडिया के 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है, रामलीला, नवरोज, छाऊ डांस, योगा, कवाली, दुर्गा पूजा, नौटंकी, कुंभ मेला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बेसिकली रामलीला। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन यूपी एंड अनदर मास मूवमेंट स्टार्टेड एट दैट टाइम कॉल्ड एका मूवमेंट विच वॉज लेड बाय। तो आप ये देखिए, एका मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था वो किसने बेसिकली आपका स्टार्ट किया था, मदारी पासी ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका हरदोई डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था, वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्दर्न अवध का, वहाँ पर लेट 1921 में एंड अर्ली 2022 में, यानी लगभग रखी हुई आपके लास्ट जो मंथ्स होते हैं वहाँ पर स्टार्ट हुआ, 1922 तक चला था। किसके लीडरशिप में, मदारी पासी और सहदेव के लीडरशिप में चला था। मेन रीजन क्या था मूवमेंट का, हाई रेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता था, जनरली हायर देन 50%, यानी जो रिकॉर्डेड था उससे ज़्यादा था। फिर देखते हैं टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश कितना है, 8 साल। तो जो टेन्योर है ऑफिस का लोकायुक्त का वो 8 साल है, अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एंड यूपी लोकायुक्त एक्ट 1975। ठीक, जो टर्म है लोकायुक्त एंड यूपी लोकायुक्त का वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 to 8 years। ठीक है, 6 से 8 साल इसको कर दिया गया था, कब किया गया था, 2012 में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या देखने को मिला है, नेम विच जेल वॉज अशफाकुल्ला खान डिटेन्ड आफ्टर बींग कॉट इन द काकोरी केस। यानी काकोरी केस में अगर अशफाकुल्ला खान की बात करते हैं तो इनको डिटेन कहाँ किया गया था, तो फैजाबाद में किया गया था। ठीक है, काकोरी केस आप जानते हैं, उसको काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दे दिया गया है। 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सहारनपुर से लेके अगर आप देखेंगे तो जो आपकी ट्रेन थी वो कहाँ जा रही थी, लखनऊ एंड उसी के बीच में ये काकोरी जगह है, वहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट, विच आर द मेजर फोक डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश, चारकुला, कर्मा एंड पांडव। अब देखिए यहाँ पर चारकुला आपके ब्रज रीजन को आता है, आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस, तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए। चारकुला आपका ब्रज में आता है, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर में आता है, रास ब्रज रीजन में आता है, जोगनी अवध में आता है, नटवारी पूर्वांचल में, कार्तिक बुंदेलखंड में, राज नृत्य और पाईडंडा। ठीक है, ये तीन आपके कहाँ पर आते हैं, कार्तिक राज नृत्य और पाईडंडा आपके बुंदेलखंड में आते हैं, नटवारी आपका पूर्वांचल में आता है, जोगनी अवध में आता है, रास ब्रज में, एंड कर्म अगर देखेंगे सोनभद्र मिर्जापुर में देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सी की बात करते हैं तो सुरसेन आपको देखने को मिल जाएगा, कौसाम्बी, ये आपका करेक्ट नहीं है। अब क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि सुरसेन की जो कैपिटल थी वो आपको मथुरा देखने को मिल जाएगी। सारे देख लेते हैं, कंबोज आपका राजपुर है। अश्मक की बात करते हैं, पोटन या पोटल देखने को मिल जाएगा। कौशल आपका श्रीवास्ती, अभी देखिए सारे महाजनपद है, 16 के 16 महाजनपद,
महाजनपद और उनकी कैपिटल, दो आपके ऐसे महाजनपद थे इनको ध्यान रखिएगा जिनकी दो कैपिटल देखने को मिलती है। जैसे एक आपका पंचाल हो जाता है जिसकी अहिचत्र नॉर्दर्न पंचाल की कैपिटल थी, कांपिलिस साउदर्न पंचाल की थी। अवंती की बात करते हैं, इसकी भी दो थी, नॉर्दर्न अवंती की उज्जैनी एंड साउदर्न अवंती की महिष्मती। ठीक है, महिष्मती आपने सुना होगा आई थिंक, वो कटप्पा वाली कौन सी मूवी थी ना, उसमें देखने को मिलता है। नौ काशी देखिए, बनारस है कौशल की श्रावस्ती है, अंग की चंपा है, मगध की गिरिराज है राजगृह, वज्जि की वैशाली है, मल्ल कुशीनारा पावा है, चेदी की शुक्तिमती है, वत्स की कौसाम्बी है, कुरु इंद्रप्रस्थ है। शुक्तिमती किसका नाम है ये मुझे बताइए, एंशियंट नेम किसका है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मत्स्य की बात करते हैं विराटनगर है, अशक की बात करते हैं पोतन है, गंधार की तक्षशिला है, सुरसेन की मथुरा देख चुके हैं, कंबोज की राजपुर और हतक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटा पता होना चाहिए, बाकी आंसर्स तो आप उसको निकालेंगे, रटने की जरूरत नहीं है इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपके प्लेसेस दिए हुए हैं, कौन कौन से आपके रूलर्स उसके बारे में, फतेहपुर सीकरी, अकबर, जौनपुर सिटी की बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोगी एंड जामा मस्जिद बनाओ की बात करते हैं तो इल्तुतमिश। फिर से देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी अकबर है, जौनपुर आपका कौन है, फिरोज शाह तुगलक है, आगरा सिटी सिकंदर लोगी है, जामा मस्जिद बनाओ इल्तुतमिश। मेन फोकलोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कौन कौन से है, बिरहा छैती एंड ढोला। तो मेन जो फोक आपके सॉन्ग से उत्तर प्रदेश के, बिरहा है पूर्वांचल में, चैती पूर्वांचल में, ढोला आपका आगरा में, कजरी पूर्वांचल में, झूला लंगूरिया हुरी फाग ब्रज रीजन में, नक्टा संस्कार गीत आपके अवध रीजन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन आगरा, कौन इसमें से आगरा में बॉर्न हुआ था, मीर एंड गालिब की बात करते हैं। ठीक है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें दो आंसर हो जाएंगे, कौन कौन से, मिर्जा गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां एंड मीर ताकी मीर, जो दोनों ही किसको बिलोंग करते थे आगरा को। पटियाला की बात करते हैं, वो कासगंज वॉज द बर्थ प्लेस अमीर खुसरो का, एंड गोरखपुर की बात करते हैं, फिराग गोरखपुरी का था। ठीक है, द नेक्स्ट देखते हैं, देवबंद मूवमेंट इन यूपी की बात करते हैं, कब स्टार्ट हुआ था, 1866 में। तो देवबंद मूवमेंट है स्टार्ट किया गया था दारुल उलूम किसके द्वारा, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई। तो आपने कासिम ननोतवी एंड गंगोई जी का नाम सुना होगा, 1866 में देवबंद मूवमेंट उन्होंने सहारनपुर यूपी के पास में स्टार्ट किया था। ठीक है, ये सिर्फ ननोतवी एंड गंगोई याद रखेंगे तो भी आपका हो जाएगा काम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द फोर्ट ऑफ कालिंजर सिचुएटेड है, कहां पर है, बांदा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन 1569 अकबर ने क्या किया था, फोर्ट को कॉन्कर किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फर्ड पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे इनको रीनेम किया गया था, अल्फर्ड पार्क को रीनेम कर दिया था इनके नाम पे, जिन्होंने अपनी लाइफ वहाँ पर क्या करी थी, बेसिकली एक सैक्रिफाइस करी थी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में 1931 में ना, आपको पता है अल्फर्ड पार्क करंटली आपको प्रयागराज यानी इलाहाबाद में देखने को मिल जाएगा। 1870 में इसको बिल्ड किया गया था। ठीक, और अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा पार्क है प्रयागराज का, यहीं पर इन्होंने ऐसे माना जाता है कि खुद को गोली मार के इन्होंने, ठीक है, अपना मतलब इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की गोली से अच्छा मैं खुद की गोली से अपनी जान ले लूंगा। ठीक, तो बेगम समरू की बात करते हैं, बिल्ड फेमस चर्च कहां पर बिल्ड किया था, सरधाना में, बेगम समरू इन्होंने फेमस चर्च बनाया था सरधाना, जो आपका कहां पर है, मेरठ के पास में देखने को मिल जाएगा। द नेक्स्ट, द फेमस भारत माता टेंपल आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, बनारस में। यहां पर कोई मूर्ति उस तरीके की नहीं है, भारत माता का बेसिकली बात करते हैं तो पूरा का पूरा उनका एक तरीके से रिलीफ मैप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो मार्बल के ऊपर कार्व किया गया है। एंड ये कहां पर है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कैंपस है बनारस में, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। किसने बनाया था, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने। ठीक, किसने इनॉग्रेट किया था, महात्मा गांधी ने 1936 में। उसके बाद देखते हैं क्या सही नहीं है, जोश की बात करते हैं तो आपको मलिहाबाद में देखने को मिल जाएगा, जिगर की बात करते हैं मुरादाबाद में देखने को मिल जाएगा, चकबश्त की बात करते हैं लखनऊ में, तो रघुपति सहाय की बात करते हैं, केम टू बी नोन बाय हिज पर नेम फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय की बात करते हैं, इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, गोरखपुर बेसिकली इनका बर्थ प्लेस माना जाता है। ये कहां पर बॉर्न हुए थे, गोरखपुर में बॉर्न हुए थे, तो रघुपति सहाय फिराक या फिराक गोरखपुरी की बात करते हैं, गोरखपुर को बिलोंग करते हैं, ये उर्दू पोएट थे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप बाकी देखेंगे तो जोश आपके मलियाबाद, जिगर आपके मुरादाबाद, चकबस्त आपके लखनऊ। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं, चिल्ड्रन म्यूजियम में आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लखनऊ में मिल जाएगा, 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। दूसरा देखते हैं विंध्याचल, यहाँ पर कौन सा मैच नहीं है, विंध्याचल मिर्जापुर में, देवा शरीफ आपको पता है मेला इसका बारामंकी में, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगेरपुर आपका प्रयागराज में आता है, फैजाबाद में नहीं आता। फिर से देख लीजिए, विंध्याचल एक हिंदू पिलग्रिमेज है, ये आपको मिर्जापुर में मिल जाएगा, देवा शरीफ आपको पता है बारामंकी में देखने को मिल जाएगा। ठीक, श्राइन है हाजी वारिस अली शाह की। हस्तिनापुर की बात करते हैं मेरठ में, एंड आपका श्रृंगेरपुर आपका प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं आपका इसमें क्या है, मैच करना हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है यूपी के, एंड प्लेस कौन सा है, तो चौरसी गुंबद आपको जलाऊ में देखने को मिल जाएगा, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बुद्ध स्तूपा कुशीनगर, एंड कामदगिरी जो आपका माउंटेन है वो आपको चित्रकूट में देखने को मिल जाएगा। नाउ अगर आप ये नहीं भी गेस कर सकते तो आपको पता होना चाहिए चित्रकूट का एक ऐसा एरिया आता है यूपी में जहां पर आपको थोड़ी बहुत पहाड़ियां देखने को मिलती है, तो माउंटेन का रीजन आप इससे मैच कर सकते थे। ठीक है, सो अगर आप डी का क्या लगा देते, डी का सी वन लगाते तो आपके पास दो ऑप्शन तो आ ही जाते। ठीक है, फिर आप उसमें सही कर सकते थे। अब यहां देखते हैं आपका मैच ऑफ फॉलोइंग में, कनक भवन आपका अयोध्या में है, कामदगिरी
हिस्ट्री माउंटेन चित्रकूट ऑलरेडी देख चुके हैं, कालिंजर फोर्ट बांदा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, देवाशरूप बाराबंकी। आप देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, बहुत रिपीट होता है। ठीक है, 8 में पूछा गया है, 10 में पूछा गया, बाद में देखिए कालिंजर फोर्ट अलग से पूछा गया, देवाशरीफ भी अलग से पूछा गया है। फिर आते हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये कहां पर है, बिठूर में देखने को मिल जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम लोकेटेड बिठूर में, 21 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है, कानपुर सिटी में पड़ जाता है। ठीक है, फिर भारत कला भवन की बात करते हैं, म्यूजियम आपको बनारस में देखने को मिल जाएगा। किसने एस्टैब्लिश किया था, राय कृष्णदास ने 1921 में। ठीक है, भारत कला भवन कहां पर है, बनारस में है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कौन से इसमें से सही मैच नहीं है। आमिर खुसरो की बात करते हैं तो आपको कहां पर देखने को मिल जाएंगे, कासगंज ईटा एरिया में। मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, ऑलरेडी ऊपर मलिहाबाद जोश देख के आए हैं। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। रामप्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं तो ये आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, शाहजहांपुर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, रामप्रसाद बिस्मिल आपके शाहजहांपुर में है, जोश आपके मलियाबाद, मिर्जा गालिब आगरा है, अमीर खुसरो ईटा में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दयालबाग की बात करते हैं, आगरा किससे एसोसिएटेड है, राधा स्वामी सिख। जो दयालबाग आपको गार्डन देखने को मिलता है आगरा में, वो किससे रिलेटेड है, राधा स्वामी सिख से। फिर हुज टॉम्ब इज इन चुनारगढ़, तो चुनारगढ़ में आपको भड़तारी की बेसिकली क्या देखने को मिल जाएगी, टॉम्ब देखने को मिल जाएगी। चुनारगढ़ आपको मिस्टर बट डिस्ट्रिक्ट में आता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, चुनार टाउन। फोर्ट की बात करते हैं, फेमस है सोनवा मंडप के लिए, भवन खंबा के लिए एंड मसूलियम ऑफ भड़तारी। तो भड़तारी का बेसिकली मसूलियम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ईयर ऑफ कांग्रेस सेशन और प्लेसेस ऑफ कांग्रेस, यानी कौन से साल में आपका कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेते हैं। 1892 में यूपी का है, देखिए इलाहाबाद प्रेसिडेंटशिप डब्ल्यू सी बनर्जी। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। 1936 ये आपका विभाजन का वर्ष है तो ध्यान रखिएगा। 1936 ये आपका कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में, किसने प्रेसिडेंटशिप की थी, जवाहरलाल नेहरू। 1946 में मेरठ में जेबी कृपला ने। ठीक है, जेबी कृपला ने आपको पता है लास्ट ही वो थे। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेम द फोक म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश विच संग इन द मॉनसून मंथ, आपका कौन सा उत्तर प्रदेश का फोक म्यूजिक है जो आपका कब गाया जाता है, मॉनसून के महीनों में। ठीक, और ये स्पिरिट ऑफ सेपरेशन को दिखाता है, सेपरेशन की स्पिरिट को दिखाता है, तो कजरी है। ठीक है, मेनली फेमस आपका कहां पर है, बनारस और मिर्जापुर में। दूसरा देखते हैं, उस्ताद विलायत हुसैन खां आगरा घराना ये कंपोज करते हैं बंदिशास और बहुत सारे राग, किस नेम के अंदर में, प्राण प्रिया के अंदर में। ठीक है, तो उस्ताद विलायत हुसैन खान ये फेमस है सितार प्लेयर है और ये अपना कौन सा निक नेम रखते हैं, प्राण प्रिया। देन नेक्स्ट देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर एंड गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड द हड़प्पन कल्चर, तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स आपके आलमगीरपुर में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके हड़प्पन कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। चौक पेंटिंग्स की बात करते हैं, और डार्क रेड पेंटिंग्स बाय एंशियंट मेन आर फाउंड इन अबंडेंस इन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, जो चौक पेंटिंग्स होती हैं, डार्क रेड पेंटिंग्स होती हैं एंशियंट मेन की, वो कहां पर मिलती है अबंडेंस में, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आलमगीरपुर हड़प्पन कल्चर बार बार देख चुके हैं, हिंडन नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर मैंने आपसे पूछा था पिछले लेक्चर में। ठीक, दूसरा ये सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट साइट आपकी मिल जाती है, किसकी, आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, यहां पर चौक पेंटिंग्स देख चुके हैं डार्क रेड कलर की, चौक रेड एंड रेड कलर की आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी, मिर्जापुर में देखने को मिलती है। फिर सारनाथ की बात करते हैं, कहां पर लिक्विडेड है, उत्तर प्रदेश में, बहुत इजी क्वेश्चन बट देख लेते हैं। सारनाथ फेमस पिलग्रिमेज है, बनारस उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर ऐसा माना जाता है कि बुद्धा की जो फर्स्ट टीचिंग थी अपने 5 डिसिबल्स को उनको वो दिया गया था, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनका दूसरा नाम बेसिकली आपको ऋषिपट्टनम भी देखने को मिल जाएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर में। ठीक, फेमस त्रिदृष्टि नंदी ऑफ काशी की बात करते हैं, उन्होंने यहां पर एक बिहार भी बनाया था बुद्धा के लिए। मौर्य एम्पायर अशोक की बात करते हैं, उन्होंने स्तूपा बनाया था, स्तंभ पिलर बनाए थे एंड सिंह शीर स्तंभ की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फेमस है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है यूपी स्पेशल का, सोशल एंड कल्चरल सिनेरियो के भी हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, 4th क्वेश्चन है, इसको करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें मैच करना है फेयर्स को और प्लेसेस को, कौन कौन से मेले कहाँ पर होते हैं, दादरी मेला बलिया में आपको देखने को मिल जाएगा, नवचंडी मेला मेरठ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचखुइया मेला आपका झांसी में एंड शाकंभरी मेला आपका सहारनपुर। ना शाकंभरी मेला आपको सहारनपुर में देखने को मिल रहा है, शाकंभरी के नाम से क्या कुछ रखा गया है सहारनपुर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 3 में, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग एंड इसके बाद मैं आपका टेस्ट सीरीज भी अपलोड करने वाली हूँ, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग, थैंक यू एवरीवन।